हे दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं परिताल और आज हमारे साथ दो न्यू कैंडिडेट जा रहे हैं। एक जा रहे हैं धीरज और एक जा रहे हैं संदीप भैया। तो अभी हम पहले पिकअप करने जा रहे हैं धीरज को और दिखाएंगे आपको कैसी है जर्नी हमारी और वो जगह कैसी। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। धीरज आ गए और काफी देर से वेट कर रहे हैं, सुबह ही उठ गए थे। हेलो धीरज, कैसे हो भाई? बस संदीप भैया को पिकअप करेंगे, आओ। अरे तो आप कब से वेट कर रहे हो धीरज? मैं कर रहा हूँ 5:15 बजे। अरे संदीप भैया ने ना हमें थोड़ा, मेरे पास संदीप भैया का फोन 4 बजे आ गया था, वेट कर रहा हूँ की उठ जाइए। अब देखते हैं वो हमें रेडी मिलते नहीं मिलते वहां पे। चलिए चलते। सो भैया सॉरी, इंतजार तो नहीं कराया आपको? बिल्कुल नहीं, पर बहुत बढ़िया, आपको इंतजार तो नहीं कराया? आइए बैठिए। बिल्कुल बैठ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। इस बार हम लोग काला डोंगी से नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पीछे हमारे जो गाइड बैठे हैं संदीप भैया, उन्होंने बताया कि 30 किलोमीटर पहाड़ी सफर करने से अच्छा है कि 35 किलोमीटर प्लेन का सफर कर लिया जाए। तो इस बार हम बाय हल्द्वानी जा रहे हैं और आप दिखाइए पहाड़ियां शुरू हो चुकी, काफी खूबसूरत है। मेरे हिसाब से मौसम बहुत अच्छा है, मीठी सी धूप निकल रही है, मजा आएगा सफर में। चलिए आगे चल के दिखाते हैं आपको खूबसूरत नजारे। मैप के भरोसे परिताल मत आइएगा। मैं आया हूँ और यहाँ थोड़ा सा हो गए हैं, किसी से पूछ रहे हैं तो किसी को पता नहीं है कि परिताल कहाँ है। तो एक जने ने बताया कि उन्हें भी नहीं मालूम हालांकि, बट उन्होंने बोला कि आप आगे जाइए कुछ शॉप्स है, वो शॉप पे जाके आपको पता चलेगा। तो वहीं हम जा रहे हैं और देखते हैं कि परिताल कितना दूर रह गया, क्योंकि मैप में तो ठीक यहीं की लोकेशन दिखा रहा था बट यहाँ से मुझे कोई रास्ता जाने का दिखाई नहीं दे रहा। चलिए आगे मिलते हैं आपसे। भैया परिताल आ गए, परिताल परिताल आ गए। वहां पर गाड़ी रुकी है ना, गाड़ी हरा कलर का बोर्ड लगा है वहां पर, लिखा है सीमा समाप्त धारी। नीचे तो परिताल का देखिए रास्ता मिल चुका है, जैसे आप इस पुल पे आए और ये देखिए सीधा छोटा सा शॉर्टकट जा रहा है, बहुत जरा सा रास्ता है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप कार चलाने में एक्सपर्ट है तो तभी यहाँ पर आइएगा और बीच गांव में सब होते हुए जाएंगे, रास्ता बहुत शानदार है। चलिए बाकी आपको परिताल पहुंच के दिखाएंगे कैसे है नजारे। ये है रास्ता परिताल जाने का, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, अगर कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आए, और मतलब ढूंढने में बहुत मुश्किल पड़ता है। तो जो मैंने आपको पीछे वीडियो में थोड़ा एक लैंडमार्क दिया था, वो पुल को क्रॉस करते ऊपर लेफ्ट में चले जाइए। अभी देखते हैं कहाँ हम लोग पार्किंग कर सकते हैं, कहाँ अच्छी फैसिलिटी है। तो इससे आगे कार नहीं जा सकती, हालांकि जा तो सकती है बट वहाँ पर कार पार्किंग की जगह नहीं है, तो हम यहीं पे रुक गए। उन्होंने हमें हेल्प करी और उन्होंने बताया कि आप सर यहाँ पर कार पार्क कर सकते हैं, ये यहाँ के कुछ नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, 50 से 70 रुपये लेंगे, और यहाँ से फिर आपको 1.5 किलोमीटर पैदल जाना होगा परिताल के लिए। चलिए चलते हैं। और हमारे साथ हमारे साथी चल रहे हैं संदीप भैया और धीरज भाई, चलिए आगे चल के दिखाते हैं कैसे। जब आप परिताल के लिए जाएं तो ये जो पुल पड़ रहा है, हम आगे चले गए थे गलती से, तो ये जो राइट में रास्ता जा रहा है ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ आगे जाना वो तो अच्छा है। वहाँ पर हमें एक आंटी जी मिल गई थी, उन्होंने हमें बताया कि ये परिताल के लिए रास्ता नहीं जा रहा है, वहाँ पर एक गाँव है वहाँ जा रहा था, तो हो सकता है भगवान का कोई रूप। आइए, कैसी लग रही है भाई जगह आपको? बहुत बढ़िया लग रही है, और बिल्कुल अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी ट्रैकिंग भी हो जाए और घूमने को मिले अच्छी जगह। ये जो पुल देखा हमने लगी, हाँ। वो बता तो रहे थे 250 साल पुराना पुल है, अंग्रेजों के जमाने का पुल है ये। और देखिए सर बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अरे यार हल्की 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 बारिश, क्योंकि रेनकोट लाए नहीं है और मौसम ठंडा है, तो चलिए बाकी आगे चल के दिखाते हैं कैसा है। अभी तो ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है, Thank you.
यहाँ के लोगों ने कद्दू की खेती कर रखी है। बाकी अगर आप देखिए गांव के तरफ आते हैं, चाहे वो पहाड़ों का है चाहे नॉर्मल हो, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरे गांव में भी मतलब मेरे जहाँ पर चाची लोग या चाचा लोग रहते हैं, वहाँ पे वो लौकी, आलू, खीरा ये सब खुद उगाते हैं। वो किसी और दिन मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप अभी कद्दू देखिए काफ़ी खूबसूरत है, छोटा होता है क्योंकि ये बाहर किसी तरह के इंजेक्शन के थ्रू नहीं फैलाया जाता जैसे हम शहरों में खाते हैं, और इनका स्वाद भी बहुत अलग होता है। और ट्रैकिंग में बहुत मज़ा आ रहा है, अभी तक नदी के साथ साथ हम चल के आ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लगा रहा है। थैंक यू भाई। देखिए गांव का यही एक रूटीन है, अगर 2 किलोमीटर भी रहता है तो वो कहते हैं बस आ गया और ऐसे कर करके हिम्मत बांध देते हैं। यही अच्छी बात है शहर के लोगों गांव के लोगों में। थोड़ा आप अच्छे ग्रिप वाले शूज पहन के आइएगा, ये देख रहे हैं आप, ये अभी यहाँ पर पानी इतना नहीं है, मगर अगर आप बारिश के टाइम पे आएंगे तो यहाँ पर भी पानी आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस अपने शूज की चॉइस पर। ये सही है, बीच बीच में छोटी छोटी नदी तो बढ़िया नहीं आ रहा है, रास्ता बढ़िया है इसका। परिताल बस पहुंच गए वहां पर है परिताल, देखिए क्या खूबसूरत नजारा है यार। और ये इतनी अनएक्सप्लोर्ड जगह है, यहाँ पर लोग इतने कम आते हैं, इतनी अच्छी जगह, मजा आ गया। देखिए ये देख रहे चट्टानों के बीच का रास्ता, ओ वाकई बहुत बढ़िया जगह। कैसी लगी भैया आपको ये जगह अल्टीमेट? वाओ कितनी खूबसूरत जगह है परिताल, और ये सच में हेवन है यार, सच में हेवन है। जरा आइए ऊपर, पता नहीं कहाँ से वो झरना बहता हुआ आ रहा है, और अच्छा है उन्होंने हमें लाइफ जैकेट दे दी क्योंकि अब हम अंदर जाएंगे और थोड़ा गहरा है, देखते हैं सेफली जाएंगे। और आप सबसे निवेदन है कि आपने सेफली, बहुत खूबसूरत वाकई जन्नत। कैसा लग रहा है राहुल? तो राहुल कैसा लग रहा है परिताल में नहाने में? मैं तो पहली बार स्विमिंग कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा और कुछ बताइए। पहली बार मैं ये समझ लो जब भी मैं पानी में कूदता हूँ तो डूब भी जाता हूँ, ये पहली बार है। देखिए जिन्हें तैरना आता है वो ही नहीं डूबते, बस बाकी तो डूब जाते हैं। एक बार बच गया तो बोले तो बच गया था हमारा। लेकिन बाकी बहुत मजा आ रहा है, हल्की हल्की बारिश है और ठंडा ठंडा पानी, ऑसम। तो दोस्तों ये था परिताल और बहुत बढ़िया जगह है और नहाने के लिए बहुत अच्छा है, बट लाइफ जैकेट जरूर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम यहीं पर रैप अप करते हैं,
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड बाय।